कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। निकी वो लोग कितने बजे आने वाले? ये तो मैं पूछना ही भूल गई। माँ वो लोग कब आ रहे हैं? 8 बजे। सोना दी आप भी ऐसा तो ये रुकेंगी ना, आपको रुकना ही पड़ेगा। वैसे भी प्रिया दी और नेहा दी इनको तो एनजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं उनसे क्या बात करूंगी? एनजी नताशा गुजराल, कम ऑन माँ प्लीज इनसे कहिए ना कि आशा थी ये रुके। हाँ भाई न्यूट्रिशन बहुत कर लिया तुमने अपना रात, आज रात को तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाना ही पड़ेगा। यस माना कि मैं खाना खुद नहीं बना रही हूँ, महाराज जी बुलाए हैं, खास खाना बनेगा ना, पर खाना बनवाऊंगी तो मैं ही और चक्कर पसंदी भी मैं ही दूंगी। रुकना तुम। पर आंटी जी मैं अब बना क्या रही हैं? बना क्या रही हूँ? अच्छा चल तू बता क्या बनाऊं। फ्रेंच ऑनियन सूप से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ब्रुशेटा के स्टार्टर्स एंड खाने। हाँ हाँ बस रहने दे, ये सारे जो नाम तू बोल रही है मैं बोल भी नहीं सकती, बनाऊंगी कैसे? और ये सारा विदेशी खाना है ना, अगर वही खिलाना होता तो देव उन्हें होटल नहीं लेकर जाता। अब किसी को घर बुलाया है तो घर का खाना ही बनेगा ना। ओली अरे तेल मसाले संभालने के लिए न्यूट्रिशन है ना सोना? हाँ आंटी जी मैंने केचू भैया को सब समझा दिया है और मैं भी ख्याल रखूंगी कि तेल और मसाले ज्यादा ना हो। सोना बेटा तू घर चली जा। जी? नहीं। हाँ हर वक्त बोलना जरूरी है। अरे अपनी सोना दी को देख तो जरा, चेहरा कैसे उतरा उतरा लग रहा है। तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम घर चली जाओ बेटा। आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ लेकिन शायद आज। हाँ मतलब कुछ गड़बड़ है ना। देखो बेटा तुम ऐसे करोगी तो बीमार पड़ोगी और फिर से 3-4 दिनों के लिए हमें तुम्हारे बगैर काम चलाना पड़ेगा, है ना? लेकिन आंटी जी मुझे देखना होगा ना कि किचू भैया कितना तेल मसाला डाल रहे। बेटा यहाँ काम संभालने के लिए हम लोग हैं, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। हाँ दी आई एम सॉरी, वो ना मैं कई बार बड़ी सेल्फिश हो जाती हूँ, अब घर जाओ। मेरी बात मान जा। जी आंटी जी मैं कल मिलती हूँ। हाँ बेटा आराम से जा। माँ फिर भाई बोरिंग दाल। दाल बोरिंग नहीं होती। हाँ बोलो। माँ वो लोग 8 बजे तक आएंगे। ये बात सुबह से 3 बार बता चुका है तू, अब पूछ जो पूछने के लिए फोन किया था। तू ज्यादा भागदौड़ तो नहीं कर रही है ना? खाना तो हम बाहर से भी मंगा सकते हैं। ओहो चुप ना देव, कोई पहली बार घर आ रहा है और यहाँ पर काम करने के लिए कितने सारे लोग हैं। किच्चू है, मैं हूँ, भाभी है। मैं भी तो हूँ। हाँ सुना। हाँ लेकिन तब भी। अच्छा मिस बोस से कहना कि मैंने डॉक्टर सिन्हा से। अरे मैंने अभी अभी न्यूट्रिशन को घर भेज दिया। अरे उस बेचारी की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, जाने के लिए राजी नहीं थी, मैंने जबरदस्ती भेज दिया उसे। अच्छा ठीक है चल बाद में बात करता हूँ। क्या जीजी? अरे आपने उस बंगालिन को छुट्टी दे दी? देखा आपने जब भी काम होता है ना तो ऐसी बहाना बनाकर खिसक जाती है। भाभी वो कोई बहाना नहीं बना रही थी, उसकी तबीयत वाकई ठीक नहीं थी। बस आप ये बताइए खाने में हम क्या बनाएं? आप देख लीजिए। क्वालिटी चेक। याद है बचपन में तू मेरे कच्चे खींच के भागती थी? कभी भी ऐसे ही हंसती थी, अभी भी ऐसे ही हंस रही। और नहीं तो क्या, मैं थोड़ा हेल्दी था तो तेरे पीछे भाग नहीं सकता था, लेकिन अभी सारी कसर पूरी करूंगा। चलो क्वालिटी चेक करो। ना मूड नहीं है। क्या हुआ? क्या बताऊं मैं आपको, आपको पता है वो लड़का, उसकी वॉक संजू बाबा जैसी, बातें शाहरुख खान जैसी और शक्ल टाइगर श्रॉफ, लेकिन अपने आप को समझता है सलमान खान,
मैंने सोचा इतनी दूर से आया बेचारा, तरस खा के उसकी बात सुनूं, लेकिन वो तो अपनी तारीफों के हाईवेज बनाने लग गया। दादा आप हंस रहे हो? तू क्यों एक्सपेरिमेंट करती है ये ब्लाइंड डेट्स इन ऑल? ऑन अ सीरियस नोट मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लड़के कलकत्ता जैसे नहीं है। यहाँ लड़कियाँ कुछ भी पहने कुछ भी करे, लड़के उसी नजर से देखते हैं जैसे। अब मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तू समझ सकती है मैं क्या कह रहा हूँ। दादा मैं आपकी बहन हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, सो यू डोंट वरी। आई नो कि तू अपना ख्याल रख सकती है, पर मुझे तो तेरी फिक्र होगी ना। वैसे एक्चुअली आप सही बोल रहे हो, यहाँ के जो लड़के हैं ना, नेचर और एटीट्यूड बिल्कुल बेकार। आज से डिसाइडेड डेट ही नहीं करनी किसी से। वेरी गुड। वैसे दादा सोना कितनी लकी है ना, उसे देव जैसा बंदा मिला। कुछ भी बोलती है ना तू, ऐसे बात करिए जैसे उसकी कल शादी होने वाली है। आई विश हो जाए, दोनों ना रणवीर और दीपिका लगते हैं, लेकिन अभी तो मामला ना बिल्कुल उल्टा है, वो ना देव से दूर भाग रही है। बेचारी को पता ही नहीं जितना उससे दूर भागेगी उतने ही पास आएगी। अच्छा किचू ये देखना जरा, ऐसे ऐसे करते रहना, कर रहे हो ना ठीक से? सब साफ सफाई लग गई। अरे कितना खराब है ये, बस यही करती रहेगी, ये कौन देखेगा? ठीक से चमका दो उसे, संभाल कर कीजिए, और ये सारा वहां पे लगा दीजिए। हाँ ऊपर ये फूल नहीं, सुनो इधर आओ, हम ना ये वाले फूल नहीं लगाएंगे, बाजार से ना बड़े बड़े अच्छे फूल लाएंगे। किच्चू इट्स ओके रणवीर, आप मुझे दे दीजिए, मैं उठा सकती हूँ। नेहा जस्ट रिलैक्स, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि अच्छा नहीं लगता, इट्स ऑकवर्ड, ये मेरे शॉपिंग बैग्स हैं। अगर थोड़ा सा बोझ शेयर करोगी ना तो उसमें कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। ठीक है यार मैं हार गया, ये दमशाद की गेम में तुम जीत गई और मैं हार गया। अब मैं गेस नहीं कर सकता कि तुम्हारे दिमाग में और क्या चल रहा है, अब तुम ही बता दो प्लीज। नेहा बोलो ना। रणवीर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। इट्स ओके नेहा, अगर तुम्हारे लिए ज्यादा ऑकवर्ड ना हो तो क्या हम अभी भी फ्रेंड्स बने रह सकते हैं? हम अभी दोस्त? नेहा मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बात अलग है कि जो मैं चाहता था वो शायद मुझे नहीं मिल पाएगा, पर इट्स ओके, मेरे लिए तुम्हारी खुशी मैटर करती है। लेकिन आप जानना नहीं चाहते कि मैंने आपको ना क्यों कहा? कुछ सोच के कहा होगा, तभी तुम्हारे लिए मुझे ये बताना बहुत मुश्किल था, पर इट्स ओके, चीयर अप। अब ऑटो बुलाने के लिए तुम्हें हाथ उठाना होगा, ये बैग्स एक्चुअली में थोड़े से भारी है। माँ आप लोग कब निकल गए? बस अभी आधे घंटे पहले। तू जल्दी घर आ गई बेटा? वो तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी। तबीयत ठीक नहीं लग रही है? अरे तो मैं घर आ जाती हूँ ना पापा। नहीं नहीं माँ सीरियसली वो डिहाइड्रेशन हो गया होगा शायद, तो नींबू पानी पी लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। आप लोग आराम से मूवी देखो। अरे सोना तू आ जाना, मूवी के बाद हम ना आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, इंडिया गेट दादा की तरफ से ट्रीट है, तो प्लीज आ जा। माँ दादा से कहना कि मेरी ट्रीट बाकी आ रही है। ठीक है अभी मैं सोने जा रही हूँ। हाँ तू सो जा, तू आराम कर। हाँ टेक रेस्ट बेटा, बाय बाय। आ रही है? नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जाने।
हेलो कीचू भैया जी डॉक्टर दीदी आपने ध्यान रखा ना हाँ हाँ डॉक्टर दीदी माँ जी के खाने में नहीं सभी के खाने में कम मसाला और तेल डालना ठीक है और आंटी जी के लिए उनका नॉर्मल खाना भी बना देना ताकि वो दूसरा खाना ज्यादा ना खाए बना दिया है डॉक्टर दीदी थैंक यू कीचू भैया वेलकम आई Hi. But why? Why not? आपकी तबीयत खराब है मैंने सोचा हालचाल पूछ लूं इसीलिए आया था अगर आपको नहीं लगता तो मैं नहीं नहीं वो मेरा मतलब था कि आपको इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी आप मैसेज भेज देते मुझे बस थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी हाँ काफी थकी हुई लग रही हैं आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी हाँ काले गड्ढे आंखों के नीचे मिस्टर दीक्षित मुझे पता है कि डार्क सर्कल्स क्या होते हैं आप एक काम कीजिए आप एक चेयर ला दीजिए मुझे यहाँ मैं यहीं बैठ जाऊँ क्या क्यों आप अंदर तो बुलाएंगे नहीं यहीं बैठ जाता हूँ ना मुझे लगा था आज आप दरवाजे पे ही बिठाएंगे What to do? आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो दिया उसे उभरने में टाइम तो लगेगा ही ना अगर आप किसी लड़की से कहेंगे कि उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है तो वो घर तो आने देगी नहीं मिस बोस अक्सर बीमारी में ऐसा होता है आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आते हैं ये कहकर मैं आप ही की बात को मान रहा था बात को मानो तो प्रॉब्लम ना मानो तो भी प्रॉब्लम इट्स सो फनी मिस्टर दीक्षित आज मेरे माँ बाबा कुछ ऐसे ही कुछ बहस कर रहे थे आपके बाबा तो तब भी कभी कभी जीत जाते होंगे लेकिन मैं अपने घर में तो कभी नहीं जीत पाता चार चार लड़कियों से कौन जीत सकता है एक लड़की से तो जीत भी सकते हो लेकिन चार चार आई एम श्योर दैट्स ट्रू बट आप तो मैनेज कर लेते होंगे आपने लड़ाई में PhD की है ना अब आप बेटर लग रही स्माइल भी कर रही हैं ताने भी मार रही हैं नाइस एक कैंडल नहीं जलती है ढंग से जलाओ ये क्या जी जी ये देखिए खास मैंने आज के लिए पहनी कैसी लग रही है बहुत अच्छी लग रही है भाभी माँ जी वो लोग आ गए चलो भाभी चल जी 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 मैं जरा उन्हें बुलाती हूँ आप जाइए जी नमस्ते कैसी है बेटा आंटी दिस इज फॉर यू बहुत सुंदर है लो किचो आइए अरे जीती रहो तुम दोनों देव की सिस्टर्स हो राइट जी मैंने की और मैं रिया देव तो तुम लोगों पर जान छिड़कते हैं आइए आइए चलो आ जाओ आइए आइए आओ बेटा ये हमारा घर आपका घर बहुत खूबसूरत है ईश्वरी जी बहुत ही मेहनत से सजाया है नमस्ते भाई साहब ये सारी मेहनत इसी ने की है जी हाँ भाई ये जी मैं अपना परिचय खुद ही दे देती हूँ मैं हूँ देव की मामी राधा रानी और ये देव के मामा जी हैं मेरे इनका स्वामी नमस्कार जी परसों ना ये जल्दी जल्दी मैं नताशा बेटी से मिल ही नहीं पाए और ये मेरा बेटा है विक्की बेटा शर्मा क्या है नमस्ते करो जी ये देव का कजिन है वो कजिन से भी बढ़कर है अरे बेटा बस 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 जीत रहे बेटी क्लामा कटरीना का और संस्कार पर जाते हैं इसके आइए ना आइए चलो बेटा
पर सीरियसली क्या हुआ आपको? अगर मैं आपसे कहूंगी तो शायद आप नहीं समझेंगे। अब बताइए तो सही, क्यों नहीं समझ आएगा? Come on, say, बोलिए। बोलो। हाँ मिस बोस, बताइए। मुझे डिहाइड्रेशन हुआ था, बहुत गर्मी है ना इसीलिए। ओके। वैसे घर में इतनी शांति क्यों है? कहाँ है सब लोग? सब मूवी देखने गए। लेकिन मूवीज तो आपको भी बहुत पसंद है ना? हाँ, पर उन्हें पता नहीं था कि मैं जल्दी आने वाली। वैसे माँ घर पे नहीं है तो कुछ खाने के लिए ऑफर नहीं कर सकती, लेकिन मैं कॉफी पिला सकती हूँ। लीजिए। अरे आंटी, आप मत उठिए प्लीज, हम लोग खुद ले लेंगे। अरे ले लो बेटा, रख दो वहाँ पे। घर तो आपने बहुत ही सुंदर सजाया आंटी। सब कुछ देव ने ही पसंद किया है। वाओ। किया तो माने पर सारा क्रेडिट ना देव भैया को देती हैं। अच्छा घर है आपका, सिंपल स्वीट। थैंक यू, पर ये सब माने किया है, मेरी बस की बात नहीं है। तो आप बचपन से न्यूट्रिशनिस्ट ही बनना चाहती थी? नहीं, बचपन में मैं और दादा इंजन ड्राइवर बनना चाहते थे। और फिर टीनेज में मैंने नोटिस किया कि लोग अपने बॉडी को, अपनी डाइट को निग्लेक्ट करते हैं, तो तब से मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। वैसे कॉफी कैसी लगी? नॉट बैड। आइए बैठिए। तो ऐसे थे मेरे डैड। किचु और ऑलरेडी है मेरे पास। नहीं लीजिए ना। तो मेरे डैड ने एक शुगर फैक्ट्री से शुरुआत की, उस एक फैक्ट्री से मैंने इतना बड़ा एम्पायर किया। आई एम श्योर नताशा उस एम्पायर को आगे बढ़ाएगी। भाई साहब, ये तो 16 आने पक्की बात है। आपकी बेटी है इतनी टैलेंटेड। टैलेंटेड? ठीक है ठीक है। आंटी, देव कब तक आएंगे? हाँ बेटा, बस आ जाना चाहिए उसे, पता नहीं कहाँ रह गया। यही तो उम्र है काम करने की, बहुत मेहनती लड़का है देव। ठीक। अब बातें कम करता, पर जब भी करता है तो उसे यही लगता है कि आपसे बढ़कर उसके लिए कोई नहीं। भाई साहब, ये पालक पनीर लीजिए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा ये नहीं तो यही खा लीजिए, ये भी मैंने ही बनाया है। क्यों आ रही आपको? पता नहीं मिस बोस। वैसे अब मुझे जाना चाहिए, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। आई नो, नताशा और मिस गुजराल। मिस बोस, माँ का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। ये तो मेरा काम है। आपका काम माँ की डाइट का ख्याल रखना है, लेकिन आपने उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखा है। आपने बहुत कुछ किया है माँ के लिए। आपने भी सबके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अपने आप के लिए नहीं। आपने स्लीपिंग पिल्स रखे हैं या? आपने इतना ब्लैकमेल किया मुझे, तो उनके बगैर ही काम चलाना पड़ रहा है। क्या हुआ? दरवाजा नहीं खुल रहा। मैं चेक करता। लगता है किसी ने शरारत की है, बाहर से बंद कर दिया।
आपके घर वाले कब वापस आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम फंस गए हैं। अब मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। कांच तोड़ देते हैं, मैं कुछ लाती हूँ। नहीं नहीं, एक दादा का क्रिकेट बैट है, उससे टूट जाएगा। एक सेकंड। अनछुए थे सपने मेरे, तूने छू लिए। चुपके चुपके दिल में आया तू जादू ली। तेरी हो गई हूँ तुझको पता। जानता हूँ मैं इस बोस कि तोड़ने में सिर्फ एक पल लगे, लेकिन बनाने में कई साल लग जाते हैं। पहली दफा है कि मुझ में तू झलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.